हेलो, आप देख रहे हैं DCIIT चैनल। यहाँ हम आपके पास लेके आते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़। और आज इन ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ में हम बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट लेके आए हैं, ओट्स चीला। ये ओट्स से बनता है और इसमें आप अपनी कोई भी मनपसंद सब्जी डाल सकते हैं, इसलिए ये एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसको आप टोमेटो केचप या हरे धनिए की चटनी के साथ खा सकते हैं। हमारे अलावा इस रेसिपी को 11 और लोगों ने ट्राई किया है, और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब उन्होंने ये रेसिपी ट्राई करी तो उनकी ये डिश कैसी बनी और उनका फीडबैक इस रेसिपी पर क्या था। तो आइए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए आप रोल्ड ओट्स या इंस्टेंट ओट्स कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको 1 कप ओट्स लेके उसको मिक्सी में उसका पाउडर बना देना है। ये देखिए, हमने एकदम पाउडर बना दिया है ओट्स को। अब एक बाउल लीजिए, उसमें ये पूरा पाउडर डाल दीजिए। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच चावल का आटा। अब दही को थोड़ा पानी मिला के पतला कर दीजिए, एकदम छाछ जैसा बना दीजिए, और उसका 1 कप लेके अपने ओट्स के पाउडर में मिला लीजिए। इन सबको अच्छे से मिला दीजिए। अगर आपको लगता है कि पानी की कमी पड़ रही है तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। हमने कोई पानी ऐड नहीं किया है, ये हमारा बिना पानी का ही बैटर है। अब आप अपने बैटर को 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, और उतने टाइम में आप अपनी सब्जियां काट सकते हैं। वैसे तो इसमें आप अपने पसंद की सब्जी डाल सकते हैं, मगर हमने क्या डाला है वो हम आपको बताते हैं। हमने डाला है 3 चम्मच कटे हुए कैप्सिकम, 2 चम्मच कटे हुए पालक, 1/4 कप कटे हुए टमाटर। ये गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है, 1/4 कप हमें वो डालना है, 1/4 कप बारीक कटे हुए प्याज, 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्ची, ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच कटी हुई करी लीव्स, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक 1 चम्मच। वैसे आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें जितना पानी चाहिए वो डाल के अच्छे से इस मिक्सचर को मिला लीजिए और बैटर को कुछ ऐसा बना लीजिए। ये बैटर बहुत पतला नहीं होता है, ये देखिए, ये बैटर ऐसा दिखेगा। अब अपना तवा गरम कर लीजिए और उसमें ये बैटर कुछ ऐसे फैला दीजिए। ये डोसे के जैसे एकदम पतला नहीं बनता है, क्योंकि इसमें सब्जियां हैं तो ये बहुत पतला बना नहीं सकते। ये देखिए, इतना टेस्टी चीला तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। DCIIT थैंक यू करता है मुक्ता अग्रवाल को अपनी ये रेसिपी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप फोटो में देख सकते हैं कि जब उन्होंने ये रेसिपी बनाई तो उनका ओट्स चीला कैसा दिखा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं और किन लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई किया और उनकी डिश कैसी बनी। आपको ये सारे ही फीडबैक हमारे फेसबुक ग्रुप में भी मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।